सर्वाइवल सीरीज। बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं सर्वाइवल सीरीज को स्टार्ट करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करना था। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं सर्वाइवल सीरीज को। तो मैंने डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में सर्वाइव किया है और जंगल ओनली वर्ल्ड में भी सर्वाइव किया है, लेकिन आज हम पहली बार एक नॉर्मल वर्ल्ड में सर्वाइव करेंगे। मजा नहीं आ रहा है। क्या मजा नहीं आ रहा? एक सेकंड, अभी मैं ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ। वो टिकटॉक वाला ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ओके, इसकी जरूरत नहीं थी, बट या मैंने माइनक्राफ्ट खरीद लिया है, माइनक्राफ्ट ऑफिशियल वर्जन। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पहली बार मैंने किसी गेम में पैसे खर्च किए हैं। अभी मैं इसमें खुद के स्किन्स लगा सकता हूँ, एंड ये स्किन मेरे पास पहले से था, सातुक्सु स्किन। इस स्किन को मैंने बहुत ज्यादा टाइम पहले बनाया था, लेकिन अभी भी मुझे ये अच्छा लगता है। फिलहाल मैं स्किन को चेंज नहीं करूंगा, फ्यूचर में शायद से चेंज कर सकता हूँ। एंड हाँ, मुझे कोई भी सस्ता वाला डोरेमोन नहीं कहेगा। एंड ये सर्वाइवल सीरीज भी हार्डकोर में होगा, क्योंकि मैं सारे वर्ल्ड्स को हार्डकोर में खेलता हूँ। तो मैंने सोचा कि सर्वाइवल सीरीज को भी हार्डकोर में खेलूंगा, क्योंकि हार्डकोर में मुझे एक ही लाइफ मिलेगा। तो एक छोटी सी गलती और मेरा वर्ल्ड खत्म, जस्ट लाइक रियल लाइफ। बट हाँ, रियल लाइफ में अगर हम मर जाते हैं तो एक और वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये जर्नी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो आओ मेरे साथ शुरू करने के लिए इस अमेजिंग जर्नी को एपिसोड 1 के साथ। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम लोग आगे वाले एपिसोड्स को मिस ना कर सको, क्योंकि ये जर्नी बहुत ज्यादा लेजेंडरी होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वर्ल्ड का नाम हम लोग रखने वाले हैं सातुक्सु नेवर डाइस डॉट 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 और एक और डॉट, क्योंकि एज द नेम सेज, मैं नहीं चाहता कि मैं इस वर्ल्ड में मरूं। एंड इसको कर देते हैं हम लोग हार्डकोर में, एंड बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। तो ये एक रैंडम सीड है, तो देखते हैं कि कैसा स्पॉन मिलेगा। ओके, तो हम लोग स्पॉन हो चुके हैं प्लेन्स बायोम में, एंड आगे डार्क ओक फॉरेस्ट भी है। एंड इस चीज को तुम लोग इग्नोर कर सकते हो, ये हमेशा आता है। एनीवेज गाइस, मैं हूं सातुक्सु और स्वागत है तुम लोगों का हार्डकोर सीरीज में। ओके, तो ये बायोम बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइक यहाँ पे पेड़ों की कमी नहीं है, मेरे डेजर्ट ओनली वर्ल्ड की तरह। तो शुरुआत तो हम लोग करने वाले हैं वुड तोड़ के, बेसिकली माइनक्राफ्ट। मेरे पास थोड़े वुड इकट्ठे हो चुके हैं, तो मैं पहले तो एक क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा और उसके बाद थोड़े से स्टिक्स एंड या वुडन पिकैक्स, बेसिकली माइनक्राफ्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहले वुडन टूल से स्टार्ट करते हैं, बट नहीं, तुम लोगों को चाहिए सिर्फ एक वुडन पिकैक्स। मैं बताता हूँ कैसे। पहले हमें डर्ट तोड़ के थोड़े से नीचे जाना पड़ेगा, एंड 3-4 ब्लॉक बाद हम लोगों को स्टोन मिल जाएगा, और अभी हम लोग स्टोन टूल्स बना सकते हैं। सिंपल। ओके, मैं थोड़े से स्टोन्स तोड़ता हूँ। तो थोड़े बहुत स्टोन्स तोड़ दिए हैं, तो मैं स्टोन टूल्स बनाऊंगा। बूम बैम बाप बारा बाप बूम पाव। ओके, तो गाइस अभी इस पिकैक्स को गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। गुड बाय पिकैक्स, शुरुआत से तुमने मेरा साथ निभाया, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। देखो कैसे तैर रहा है मेरा फर्स्ट पिकैक्स। अबे साले, अभी मुझे कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, एंड खाने का इंतजाम हो चुका है। ओके, तो ये बच्चा है, शायद इसका बच्चा है, तो मैं उसको मार सकता हूँ। कुछ भी, एंड इनको भी, और मुझे यहाँ पे थोड़े से शीप्स मिल चुके हैं, तो बेड के लिए वूल का इंतजाम हो गया। सुअर कॉमेडी सबको मारूंगा मैं, एंड इसको भी। शिट यार, मुझे इसको मारना नहीं चाहिए था, सॉरी। भाई कितने गुस्से से देख रहा है ये, मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है। खैर, बाकी के जानवरों को भी मार देता हूँ। ओ, उस पेड़ में आग लगा है, मुझे उसको बुझाना पड़ेगा वरना आग स्प्रेड हो जाएगा। मैं इस वुड को तोड़ देता हूँ, वो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ मैं इस वुड को, एंड टूट चुका है, तो अभी बाकी के जंगल में आग नहीं लगेगा। ये सेंस कैसे बनाती है मुझे नहीं पता, खैर कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक केव है, इसके अंदर मुझे आयरन मिल सकता है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। एक सेकेंड, वो क्या है, वो क्रीपर है क्या? ऐसा ही लग रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वो क्रीपर ही है।
एनीवेज यहाँ पे एक और केव है, रवीन है या फिर कुआ है, क्या कहते हैं इसे, कुछ तो है यहाँ पे। तो इसमें आयरन है, तो मुझे थोड़ी सी आयरन दिख रहा है वहाँ पे, मैं नीचे जा रहा हूँ एंड ऐसे करके मैं प्रो तरीके से नीचे जा सकता हूँ। तो फाइनली मुझे आयरन मिल चुका है एंड इसमें 6 आयरन था। तो मुझे वहाँ पे कोल दिख रहा है और मुझे कोल की भी जरूरत है, तो मैं जा रहा हूँ नीचे, तो कोल तोड़ता हूँ यहाँ पे। ओ यहाँ पे आयरन भी है, वो वाला मीम डाल सकते हैं यहाँ पे, इन सर्च ऑफ कोल वी फाउंड आयरन। एक्चुअली मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ी सी टॉर्चेस बनाता हूँ एंड नीचे एक केव अंदर तक जा रहा है, लेकिन फिलहाल मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक गुफा बना देता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ी सी एरिया क्लियर करता हूँ ऐसे करके। सातुक्सु, कौन सातुक्सु, मैं नहीं जानता किसी सातुक्सु को, मैं गुफा में रहता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़े से फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ एंड उसमें आयरन डाल देता हूँ एंड एक और फर्नेस में खाना डाल देता हूँ। तो ये रहा एक चिकन लेग पीस और अभी मैं डिनर कर रहा हूँ, यहीं पर मैं एक बेड क्राफ्ट करता हूँ एंड मैं यहीं पर सो जाऊंगा। हमारे यहाँ गुफा में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एनीवे सो जाता हूँ। तो गुड मॉर्निंग सबको, अभी यहाँ पे थोड़ी सी आयरन कुक हो चुका है एंड थोड़ा सा फूड भी, कल रात का बचा हुआ चिकन लेग पीस ही खा रहा हूँ मैं। तो मैं बनाऊंगा एक आयरन पिकैक्स, एक आयरन शवल और एक बकेट, बाल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। एंड बचे हुए आयरन से मैं एक एक्स भी बनाऊंगा और मैंने एक शील्ड बनाया है। तो अभी मैं सेट हो चुका हूँ गुफा से बाहर जाने के लिए। और ये रहा MLG, बिना वाटर का वाटर बकेट ट्रिक। क्या टाइम आ चुका है, तो मुझे यहाँ पे थोड़े से मॉब्स की आवाज आ रहा है। यहाँ पे एक स्पाइडर है एंड यस मैंने इसे मार दिया। ओ यहाँ पे एक स्केलेटन है, अच्छा हुआ कि मैंने एक शील्ड बनाया, गुड बाय। एंड ये स्पाइडर्स क्यों आते हैं भाई, लाइक इनको पता है कि ये लोग मरने वाले हैं लेकिन फिर भी आएंगे तुमको अटैक करने के लिए, तुमसे ना हो पाएगा। एनीवेज यहाँ पे थोड़ा सा आयरन है और थोड़ा सा आयरन और ओ भाई सब, यहाँ पे एक एक्सोलॉटल है, इसको पकड़ने के लिए वाटर चाहिए जो कि मैं इसी वाटर सोर्स से लूंगा। ये रहा वाटर और ये रहा एक्सोलॉटल, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा आयरन एंड अभी मेरे पास ऑलमोस्ट एक स्टैक हो चुका है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ ऊपर एंड अभी मुझे एक जगह ढूंढना है घर बनाने के लिए। वो जगह अच्छा लग रहा है एंड वहाँ पे पानी भी है तो मस्त व्यू आएगा। मैंने सोचा कि मैं अपने घर को वहीं पर बिल्ड करूंगा। एंड यहाँ पे केव है जिसके अंदर कोल है और आयरन भी है। जब मेरे पास ऑलरेडी आयरन है ये और भी दे रहा है, जब नहीं होता तो मिलता ही नहीं है। You're right, bro. और अभी रात हो चुका है और मैं सोने वाला हूँ। मैं अपने घर को यहाँ पे बिल्ड करूंगा, बहुत ज्यादा मस्त व्यू है यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक बेस बना रहा हूँ जिसमें मैं रहूंगा जब तक ये हाउस बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं चीजें रखने वाला हूँ, पहले तो एक बेड, फिर एक क्राफ्टिंग टेबल और दो फर्नेसेस एंड एक चेस्ट जिसमें मैं सारे बेकार के सामान को रखने वाला हूँ। तो आधे आयरन को मैं इस फर्नेस में स्मेल्ट करूंगा और आधे आयरन को इस फर्नेस में एंड अपने एक्सेलरेटर को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। और यहाँ पे एक क्रीपर आ चुका है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास एक शील्ड है देखा। तो गाइस यहाँ पे मुझे एक अजीब सा मछली दिखा है, मुझे कैसे भी करके इसे पकड़ना है एंड यहाँ पकड़ लिया मैंने, इसको मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। ये बहुत ज्यादा अजीब सा मछली है, ये मुझे मिथपैट जैसे लग रहा है, मिथपैट भी पर्पल है, ये भी पर्पल है। एनीवेज मुझे एक और अजीब सा मछली मिल चुका है। वेट, ये एक्सेलोटल बाहर कैसे आया, ऐसे तो ये उस मछली को खा सकता है, मुझे इसको लॉक करना पड़ेगा, अभी तो बाहर नहीं जा सकता। एंड या ये दो अजीब से मछली एक साथ हैं। यहाँ पे मुझे एक और अजीब सा मछली मिला है, ये डार्क ब्लू कलर का है, वाव। पता नहीं मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, बट ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, वैसे और भी अच्छे लगते अगर ये लोग एक्वेरियम में होते। तो आयरन स्मेल्ट हो चुका है, तो अभी मैं थोड़े से आयरन के आर्मर बनाऊंगा। ये रहा चेस्ट प्लेट, हेलमेट, बूट्स, चड्डी, इसको पहन लेता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ मैं। तो अभी मुझे घर बनाने के लिए डार्क ओक वुड चाहिए, डार्क ओक वुड से एक्चुअली अच्छा बनता है घर। तो मैं 3 स्टैक से ज्यादा डार्क ओक वुड को कलेक्ट करने वाला हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एंड मेरा एक्स टूट चुका है, अभी मैं वुड को कैसे तोड़ूंगा, एक और बना लेता हूँ, एक्चुअली 2 बना लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वुड तोड़ना है। तो इस काम को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी मेरे पास 3 स्टैक से ज्यादा डार्क ओक वुड कलेक्ट हो चुका है, तो मुझे नॉर्मल ओक वुड भी 3 स्टैक चाहिए एंड शुगर केन मिल चुका है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा। जैसा मैंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा ओक वुड भी चाहिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस मुझे नहीं पता था कि हम लोग मशरूम को एक्स से तोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे इसमें, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है ये। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।
तो गाइस अभी मेरे पास 3 स्टैक से ज्यादा ओक वुड भी हो चुका है, ये ऑलमोस्ट 4 स्टैक कह सकते हो। एंड अभी मुझे जाना है बर्च लॉक को तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे 3 स्टैक बर्च लॉक भी चाहिए एंड मैं इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी मेरे पास 3 स्टैक से ज्यादा बर्च भी हो चुका है। ओ भाई कितना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं इसमें, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो। एनीवेज गाइस तुम लोग ये देख सकते हो मेरा वुड का कलेक्शन, कभी भी घर में लकड़ियों की जरूरत पड़ जाए तो बता देना, मैं लकड़ियाँ दे दूंगा। एनीवेज अभी मैं फिलहाल सोने वाला हूँ एंड अभी सुबह हो चुकी है एंड यहाँ से एक अच्छा सा व्यू आता है और मैं यहीं पर एक जापनीज बीच हाउस बिल्ड करने वाला हूँ और यहाँ से हम लोग एक आईलैंड को देख सकते हैं। एनीवेज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वुड क्लियर करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे घर बिल्ड कर सकूँ, तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा डर्ट भी क्लियर करता हूँ एंड इस पत्थर के साथ ये जगह भी थोड़ी बहुत क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह को एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड अभी ये एक्सटेंड हो चुका है एंड अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल सी फील देने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अभी ये काफी है। एनीवेज गाइस अभी हम शुरू करते हैं घर को बिल्ड करने का काम और मैं घर को ऐसे बिल्ड करना चाहता हूँ जिससे ये लगे कि एक बीच हाउस है, लाइक आधे जमीन पे और आधे आसमान में। Okay, तो जब मैं अपने घर को बिल्ड कर रहा था तब मैं इस शुगर केन को ग्रो कर रहा था और अभी तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर केन बन चुका है। एनीवेज मुझे डार्क ओक वुड की कमी हो रही है तो मैं इसे तोड़ के निकल जाता हूँ फिर से अपने घर को बिल्ड करने में। देन मैंने अपने घर के नीचे से पिलर्स लगाए ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल लगे। एंड फिर मैंने रूफ बनाया। तो अभी रूफ बन के रेडी हो चुका है एंड मैं यहाँ पे थोड़े से टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक पाथवे बनाना चाहिए ताकि मैं अपने घर के अंदर जा सकूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे डार्क ओक के स्लैब्स यूज करने वाला हूँ ऐसे करके। फिर अभी मैं यहाँ पे साइड से थोड़े से लॉक्स लगाऊंगा, फिर ये वाले ब्लॉक्स बनाऊंगा एंड यहाँ पे एज पे लगा दूंगा एंड यहाँ पे मैं डार्क ओक के लॉक से ऐसे करने वाला हूँ एंड यहाँ पे एक पिलर और यहाँ पे मैं शायद से फेंसेस लगाऊंगा और यहाँ पे एक और कुछ तो डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसे तोड़ता हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़े से लॉक्स एंड यहाँ पे वुडन प्लैंक्स, यहाँ पे मैं विंडो जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं थोड़े से स्लैब्स लगाऊंगा ताकि ये थोड़ा सा यूनिक लगे, चारों साइड पे लगाऊंगा। ओके तो ये बन चुका है और ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं इस बेड को उठाता हूँ और अपने घर में जाके लगा देता हूँ और मैं यहीं पर सोऊंगा। एंड यहाँ पे एक अच्छी सी व्यू के साथ सुबह हो रही है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस घर के लिए एक और फ्लोर बनाना चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे स्टेयर्स बना सकूँ। बहुत सारे चेस्ट को क्राफ्ट कर देता हूँ और अपने नए घर में लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे स्टोरेज की कमी ना हो। एंड ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ओके तो ऐसे लगाऊंगा तो अच्छा लगेगा, तो अपने सारे सामान को अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड अभी मैंने अपने सारे सामान को अंदर शिफ्ट कर दिया है एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि अभी कितने सारे शुगर केन्स ग्रो हो चुके हैं, ये लेजिट लगता ही नहीं है। एनीवेज अभी मुझे थोड़ा सा सैंड चाहिए ग्लास बनाने के लिए और ये पानी में जो भी है ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। सैंड भी मिल जाएगा और ये जो भी है साफ भी हो जाएगा, ऐसा लगना चाहिए कि ये नेचुरल है। और यहाँ पे थोड़ा सा सैंड तोड़ता हूँ और वो भाई साहब ये क्या हुआ, यहाँ पे तो बवंडर आ गया, शायद यहाँ पे थारा भाई जोगिंदर आ चुका है। बवंडर आ गया, बवंडर। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंक होल सा क्रिएट हो चुका है, पानी यहाँ पे अंदर जा रहा है। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे केल्प डाल दूंगा तो ये ग्रो हो जाएगा, तो ये पानी ठीक हो जाएगा शायद से। और अभी मैं थोड़े से स्टेयर्स बनाता हूँ और इसे मैं लगाऊंगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर नहीं वहां पर। वेट, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए, मैं इस जगह पे लगाऊंगा और इसको तोड़ देते हैं। और भाई साहब अभी मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, तो मैं अपने चेस्ट को यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ फिलहाल के लिए एंड यहाँ पे मैं स्टेयर्स लगाऊंगा ऐसे करके। ओके ये उल्टा हो चुका है, मुझे इसे सीधा लगाना पड़ेगा, ये ठीक लग रहा है।
और ऐसे ही मैं इसे ऊपर तक डाल देता हूँ। एक्चुअली ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये अपने छत पे जा रहा है और मुझे अपने फर्स्ट फ्लोर को अपने छत पे नहीं बनाना था। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पाइरल स्टेयरकेस बनाता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे साइड से लगाऊंगा मैं स्टेयर्स को और ऐसे करके इसे कनेक्ट कर दूंगा और इसे तोड़ देता हूँ। एक्स टूट गया मेरा, एक और बना लिया एंड यहाँ पे इसे तोड़ देता हूँ और इसे ठीक करता हूँ और यहाँ पे स्लैब्स लगाऊंगा और यहाँ पे भी स्लैब्स लगाऊंगा। यहाँ पे तोड़ देता हूँ, मेरे टकले पे लग रहा है ये। और कुछ देर बाद मैंने यहाँ पे एक खंबे जैसा बनाया और इसे तोड़ देता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसा लग रहा है। ओके, अभी मुझे फर्स्ट फ्लोर बनाना है और मैं इसे सिमिलर बनाऊंगा नीचे वाले फ्लोर की तरह, बट ये थोड़ा सा छोटा होगा। मैं डार्क ओक वुड से ऐसे पिलर्स बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये कम्प्लीट हो चुका है एंड मैं इसका भी रूफ बनाने वाला हूँ स्लैब्स से। ओके, ये ऑलमोस्ट बन चुका है और भाई साहब यहाँ क्या ही सनसेट दिखता है। एंड यहाँ पे मैं ओक लॉक्स लगा रहा हूँ और इसको मैं स्ट्रिप कर दूंगा और ऐसे ही ऊपर भी करूंगा। और एक्चुअली अभी ये अच्छा लग रहा है, मैंने अभी बाकी के साइड में भी ऐसे ही कर दिया है। और यहाँ पे सेंटर में मैंने एक डिजाइन बनाने की कोशिश किया है जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और अभी मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे एक बालकनी बनाना था अपने फर्स्ट वाले फ्लोर में भी, लेकिन अभी मैं सीधा छत पे आ रहा हूँ जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसे थोड़ा और ऊंचा करना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम लोगों को बाद में समझ आएगा। तो अभी मैंने जो भी किया है वो सबको तोड़ना पड़ेगा। कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी का। एंड कुछ देर बाद ये टूट चुका है एंड एक्चुअली मुझे यहाँ पे डार्क ओक वुड से एक वॉल बनाना पड़ेगा। एक बॉर्डरिंग करते हैं और इसको मैं एक और लेवल ऊंचा कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं उल्टा स्टेयर्स लगाऊंगा। ऐसे नहीं, ये हमेशा गलत लग जाता है, ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। अच्छा, एंड थोड़ी देर बाद इसी के साथ ये कम्प्लीट हो चुका है। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर मैं एक बालकनी बना सकता हूँ और तुम लोगों को बाद में पता चलेगा। पहले मैं इस रूफ को तोड़ देता हूँ एंड ये रूफ भी टूट चुकी है एंड यहाँ पे मैं बर्च स्लैब्स लगाऊंगा और मुझे यहाँ पे इस सीढ़ी को भी थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। या इतना काफी है एंड यहाँ पे मुझे स्लैब से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा एंड यहाँ पे मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ। ये अपने सीढ़ियों के लिए एक बॉर्डरिंग है, बस ऐसे ही बना दिया मैंने। तो नीचे जाके सो जाते हैं एंड यहाँ पे भी मैंने वो सेम चीज किया है जो पहले किया था डार्क ओक वुड से एंड अभी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है इसे देख के। ये एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। मैं भी इसमें ग्लास पेन लगा देता हूँ एंड अभी डिफरेंस पता नहीं चल रहा लेकिन ये अच्छा लग रहा है। तो नीचे वाले फ्लोर में भी ग्लासेस लगा देते हैं एंड माइनक्राफ्ट में स्टार्स भी होता है, मुझे आज पता चला, बट ये नीचे क्यों गिर रहा है। तो अभी मुझे जापानी स्टाइल वाला रूफ बनाना पड़ेगा। ऐसे करके पहले तो मैं एक बॉर्डर कर देता हूँ स्लैब से एंड अभी जापानी स्टाइल वाला अजीब सा रूफ बनाता हूँ। इसमें भी साइड्स में स्लैब्स लगा देता हूँ, फिर ऐसे करके तीन स्लैब्स एंड नीचे से यहाँ पे तीन स्लैब्स और यहाँ पे एक स्लैब और मुझे ऐसे ही दूसरे साइड में भी स्लैब्स लगा के कंप्लीट करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। एनीवेज अभी ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये अच्छा लग रहा है, जापानी स्टाइल वाला स्ट्रक्चर लग रहा है। वो जो कटोरा जैसा स्ट्रक्चर बनता है वो बन चुका है। अभी ऐसे मुझे बाकी के साइड्स में करने पड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर केन ग्रो हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे तोड़ दूँ। तो कमेंट्स में गेस करके बताओ कि ये कितने स्टैक में आएगा। तो अभी मैं तोड़ना शुरू कर रहा हूँ। एंड या 4.5 स्टैक शुगर केन्स आ चुके हैं। लाइक फर्स्ट एपिसोड में हमारे पास इतने सारे शुगर केन्स हैं। मैं सोच रहा हूँ अगले एपिसोड में एक शुगर केन फार्म बनाऊंगा मैं। एनीवे सो जाते हैं। तो अभी मैं बाकी के साइड्स में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, कटोरा जैसा, वो जो राउंड वाला स्ट्रक्चर आता है ना वो। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एंड अभी मैंने ये कंप्लीट कर दिया है तो बाकी के साइड में भी मैंने कटोरे बना दिए हैं। तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और ऐसा ही स्ट्रक्चर मुझे अपने नीचे वाले फ्लोर में करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्लैब्स ऐसे करके, फिर यहाँ पे ऊपर जाके फिर से स्लैब्स लगाऊंगा ऐसे करके और थोड़ा लगाऊंगा यहाँ पे। बेसिकली मैं कटोरा जैसे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एंड सेम चीज मुझे इस साइड भी करना है और बीच में मैं स्लैब्स लगाने वाला हूँ। नीचे गिर गया मैं। तो अभी मेरे पास फूड की कमी हो चुकी है तो मैं थोड़े से कटोरे बनाता हूँ और इससे मैं बनाऊंगा सूप। और ये बहुत ज्यादा सूप बन चुका है, इतने सूप से मैं क्या करूंगा, इसको चेस्ट में रख देता हूँ। तो अभी मैं इस काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ तीन स्लैब्स और यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे स्लैब और उसी लाइन में एक और तीन स्लैब्स एंड ऐसे ही मुझे करना है जब तक ये कटोरा जैसा स्ट्रक्चर ना बन जाए। एंड थोड़ी देर बाद अभी ये बन चुका है, वाव अच्छा लग रहा है। सेम चीज मुझे बाकी के साइड्स में भी करना पड़ेगा तो मैं बाकी के साइड्स में भी वो करने वाला हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एंड अभी मैंने कर दिया है बाकी के साइड्स में भी और ये जापानी सॉस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
आई मीन ये जो कटोरा का स्ट्रक्चर बनाया ना वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एनीवे सभी मुझे यहाँ पे छत बनाना है, वो जो बीच में शार्प वाला होता है ना वो जिससे बारिश का पानी नीचे जाता है, ऐसे एक कर्व करूंगा मैं यहाँ पे। एंड ये कर्व अच्छा लग रहा है, लाइक देख सकते हो ना तुम लोग यहाँ पे एक कर्व बना है। कैसे एक्सप्लेन करूं यार मैं, बट मुझे लगता है कि ये कर्व बीच में आना चाहिए, अपना जो घर का सेंटर होता है वहां पर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बस बना के दिखाने वाला हूँ। ऐसे कह रहा था मैं, एक्चुअली इतना अच्छा नहीं लग रहा, लाइक मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा ये। मुझे लगता है छत के लिए पहले वाला डिजाइन ही अच्छा था। तो डार्क ओक वुड की कमी हो चुकी है तो फिर से डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। एंड अभी मैं इस छत को रिपेयर करने वाला हूँ जैसे पहले था वैसे। एंड यहाँ पे ऊपर पे मैं लॉक्स लगाऊंगा, अच्छा लगेगा। एंड इसके अंदर मैं एक बर्च प्लैंक्स का दीवार बनाऊंगा ताकि ये उठ के दिखाई दे, लाइक ब्लैक वुड में व्हाइट वुड अच्छा दिखाई देता है। एंड यहाँ पे मैं साइड्स में स्लैब्स लगाऊंगा और अभी ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक तुम लोग देख सकते हो कि ये व्हाइट वाला वुड ब्लैक वाले वुड में निखर के आ रहा है। एनीवेज एक ऑसम सी सनराइज को एंजॉय करते हैं और भाई साहब ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही छत की बात कर रहा था मैं। एंड अभी मुझे इसमें फेंसेस लगाने पड़ेंगे तो मैं क्राफ्ट कर देता हूँ थोड़े से फेंसेस एंड थोड़े से बर्च ट्रैप डोर्स। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे साइड में फेंसेस लगाऊंगा, ऐसे करके मैं सारे साइड में लगाने वाला हूँ। ओके तो फेंसेस लगा के कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे इसमें ट्रैप डोर्स लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रैप डोर्स लगाता हूँ एक एक करके, ये सिर्फ एस्थेटिक के लिए है। एंड यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली ये फेंसेस जो लगाए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैं ऊपर वाले फ्लोर में भी ऐसे ही करने वाला हूँ। ये रहा फेंसेस और ये रहे ट्रैप डोर्स। एंड वाव ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके तो एक्चुअली ये कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे इसमें ज्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं पहले तो इस लॉक्स को तोड़ देता हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड यहाँ पे मैं स्लैब्स लगाने वाला हूँ आगे तक, एंड मैंने बहुत ज्यादा आगे स्लैब्स लगा दिए हैं, देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, गंदा लग रहा है ये बहुत ज्यादा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक नेचुरल सी पाथवे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्लैब्स लगा के एक स्टेयर्स बनाऊंगा, देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। ओके तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, पहले वाला पाथवे बहुत ज्यादा ऊंचा बन चुका है और दूसरे वाला पाथवे बहुत ज्यादा नीचे बन चुका है। मैं इस पाथवे को पूरा रिमूव करने वाला हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड यहाँ पे मैं इसे तोड़ देता हूँ। एंड इसी के साथ ये उड़ता हुआ गंदा सा पाथवे टूट चुका है। तो अभी मैं थोड़े से डोर्स बनाता हूँ अपने घर के लिए। एंड सारे चार जगहों पे मैं डोर्स लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं इस पाथवे को बनाऊंगा 6-6 ब्लॉक्स आगे, लाइक अभी मुझे यहाँ पे 6 ब्लॉक्स आगे जाना पड़ेगा एंड 6 ब्लॉक आगे जाके आधा ब्लॉक नीचे जाऊंगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम लोग इस मॉन्टाज को देखो। ओके तो अभी हम नीचे तक आ चुके हैं और ये बहुत ज्यादा लंबा पाथवे बन चुका है और इसी के साथ ये पाथवे कंप्लीट हो गया। एंड यह अभी तुम लोग देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा दूर है, तो अपने घर तक जाने के लिए मुझे 10 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे साइड में थोड़े से लॉक्स लगा देता हूँ ताकि ये नेचुरल लगे और ऐसा ना लगे कि ये पाथवे हवा में उड़ रहा है। तो मैं इन लॉक्स को आगे तक ले जाने वाला हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके तो ये लास्ट वाले लॉक्स हैं, इनको लगा दूंगा तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस साइड में भी थोड़े से लॉक्स हैं एंड ये कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे भी लॉक्स लगा देता हूँ, अच्छे लगेंगे और ये पाथवे बहुत ज्यादा एपिक लग रहा है। ये कौन है? तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू तुम लोगों का वीडियो देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 37 डेज स्पेंड किया है सिर्फ इस घर को बनाने के लिए। 37 डेज स्पेंड किया मैंने सिर्फ एक घर को बनाने के लिए, तो इस घर के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज एक लाइक कर दो। एक सेकेंड, यहाँ पे कोई तो है। व्हाट, ये क्या है? ये किसको मार रहा है? मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, इसे मार देता हूँ, इससे मुझे लीड और लेदर मिल जाएगा। और इसे भी मार देता हूँ, ये अकेले जीके क्या करेगा? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो पे मैं लाइक एम रखने वाला हूँ 10,000 लाइक्स का। आई होप कि ये कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड जैसा मैंने कहा कि ये सीरीज बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो अगर तुम लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हर हफ्ते एटलीस्ट एक हार्डकोर सीरीज का वीडियो डालूंगा अपनी बाकी के 100 डेज वीडियो के ऊपर। तो यह अभी मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।